हाँ तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार से बहुत सारे माइग्रेंट लेबर, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जो पर्यटन स्थल घूमने गए थे या डॉक्टर से इलाज कराने अपने राज्यों से दूसरे राज्य में गए थे और कोरोना के चलते वे किन्हीं बस कारण से वापस नहीं आ पाए, तो उनके लिए बिहार सरकार ने जो है निबंधन को लिंक जारी कर दिया है। बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे रिश्तेदारों का, आप लोग सभी के पास फोन आता होगा कि हम लोग कैसे वापस आएँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे जो है ट्रेनें चलाई जा रही है, बहुत सारे यात्री और कोटा से छात्र, जयपुर से छात्र, गुजरात सूरत से आ रहे हैं। आखिर वे लोग कैसे आ रहे हैं, तो इस वीडियो में हम इसी की जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि आप लोग भी अपने जान पहचान के रिश्तेदारों को जो है मदद कर सके। तो आज राज्य सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों के लिए जो है एक लिंक दिया है। मैं एक एक करके हर राज्य के लिंक के बारे में चर्चा करूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, राज्य सरकार ने बाहर फंसे मजदूर, छात्र और दूसरे लोगों को बिहार आने के लिए निबंधन का साइट जो है जारी कर दिया है। जिस प्रदेश में लोग फंसे हैं वहां के लिए जारी लिंक पर अपना निबंधन कर बिहार आने के लिए जो है करा सकते हैं। इसी के साथ विभाग ने राज्य सरकार के उस साइट का भी लिंक जारी किया है जिस पर बाहर जाने को इच्छुक लोग निबंधन जारी कर सकते हैं। जो लोग बिहार में भी फंसे हैं, दूसरे राज्य के लोग, वो भी बाहर जा सकते हैं। निबंधन के दौरान मांगे जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको देनी होगी। जो लोग बिहार में फंसे हुए हैं दूसरे राज्य के लिए, वे जो है www.covid90.bihar.gov.in पर जाकर जो है लिंक निबंधन लिंक से कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो बिहार के छात्र, प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, वे कैसे निबंधन कराएंगे कि बिहार जो है वापस उनको लाया जा सके। तो सबसे बात करते हैं पहले दिल्ली, क्योंकि हमारे बिहार राज्य में सबसे अधिक जो है प्रवासी मजदूर छात्र जो है दिल्ली में रहते हैं। तो यदि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से बिहार वापस आना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्रोम साइट या किसी भी गूगल साइट पर जाएंगे और वहां पर आप जाकर लिखेंगे dillipolice.nic.in, और वहां पर जैसे आप उसको साइट पर जाएंगे वहां एक निबंधन का फॉर्म आएगा। उस पर जाकर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, जो आपसे सूचनाएं मांगी जाएगी, उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा और सारी सूचनाएं को देंगे। उसके बाद वहां की जो स्थानीय जो प्रशासन है आपसे संपर्क करेगी और आपको लाने का व्यवस्था कर देगी। उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो लिंक है उसका जो है mapit.gov.in/covid19। उसके बाद यदि आप गुजरात में ही बहुत सारे माइग्रेंट लेबर रहते हैं, आए दिन वे लोग जो है बिहार आने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने जो है लिंक जारी कर दिया है। digitalgujarat.gov.in पर जाएंगे और लॉगिन ऐप citizenlogin.aspx, वहां पर जाएंगे और वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। वहां आप आवेदन करेंगे, सारी प्रक्रियाएं करेंगे, आपको वहाँ की लोकल प्रशासन जो है आपसे संपर्क स्थापित करेगी। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वक्त देना होगा। ये नहीं कि आज रजिस्ट्रेशन करें तुरंत हमारे पास कोई सूचना आ जाएगी, उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जैसे जैसे व्यवस्था करेगी वैसे वैसे आपको वापस लाने की प्रक्रिया है जो जारी की जाएगी। उसके बाद आता है पंजाब का। यदि आप पंजाब से बिहार वापस आना चाहते हैं, तो httpscovidhelp.punjab.gov.in। और यदि आप महाराष्ट्र, मुंबई में भी बहुत सारे प्रवासी रहते हैं, आप जैसे जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो आने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किए, उन्हें पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी, तो उनके लिए covid19.mhpolice.in, वहां पर जाकर आप इसको, जितने भी ये लिंक है आपको जाकर अपने वेबसाइट क्रोम में या जो भी आपका यूसी ब्राउजर, जो भी गूगल का ब्राउजर है, वहां पर जाकर आपको टाइप करना पड़ेगा। यदि आप राजस्थान में फंसे हुए हैं, राजस्थान की जयपुर से बहुत सारे ट्रेनें आई हुई है छात्रों को लेकर प्रवासी, हाँ, तो यदि आप राजस्थान से वापस आना चाहते हैं, अपने बिहार में वापस आना चाहते हैं, तो वहाँ राजस्थान सरकार द्वारा जो जारी किया गया लिंक है emitraapp.rajasthan.gov.in। उसके अलावा एक और दूसरा ऐप्स है emitra apps/covid19migrant registration service। तो इस दोनों लिंक पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर बिहार वापस आ सकते हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, यदि आप बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं, या किसी अन्य कारणों से आप हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए हैं, तो आपको covidepass.hp.gov.in लिंक से जाकर आप वहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप तमिलनाडु में फंसे हुए हैं, तो तमिलनाडु सरकार ने भी लिंक जारी कर दिया है, tnepass.tnega.gov.in पर जाकर आप लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप हरियाणा में फंसे हुए हैं और हरियाणा से वापस बिहार आना चाहते हैं, तो edisa.gov.in/efforms/migrant service, यहां से जाकर आप
अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा, उस पर OTP आएगा और अपनी पूरी फॉर्म प्रोसेस पूरी कर आप बिहार वापस आ सकते हैं। यदि आप कर्नाटक में फंसे हुए हैं तो कर्नाटक सरकार ने भी जो है लिंक जारी कर दिया गया है, उसके लिए sevasindhu.karnataka.gov.in sevasindhu/english इस लिंक पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और आप बिहार वापस आ सकते हैं। यदि आप बिहार के वासी हैं और उत्तराखंड में फंसे हुए हैं तो उत्तराखंड में फंसे हुए हैं तो उत्तराखंड से वापस आने के लिए आपको इस लिंक पर जाना होगा dscl.services.org.in उत्तराखंड माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन या smartcitydehradun.uk.gov.in इस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप उड़ीसा में फंसे हुए हैं और बिहार वापस आना चाहते हैं तो इसके लिए covid19registered.odisha.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप केरल में फंसे हुए हैं तो केरल में फंसे हुए हैं केरल से बिहार वापस आना चाह रहे हैं तो रजिस्टर मोरकर देखते हैं इसको थोड़ा हम देखिए केरल की जो है रजिस्टर morko.org.in पर जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं छत्तीसगढ़ से वापस आना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन cglabor.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं और उत्तर प्रदेश से बिहार वापस आना चाह रहे हैं तो उसके लिए uplabor.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बंगाल में फंसे हुए हैं तो बंगाल से बिहार वापस आने के लिए आपको wb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आप गोवा में फंसे हुए हैं और गोवा से वापस बिहार आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको goaonline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। यदि आप जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं और वहां से वापस आना चाहते हैं तो serviceonline.govt.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। यदि आप बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं, यदि अपने पड़ोसी राज्य झारखंड में फंसे हुए हैं, रांची में फंसे हुए हैं तो उनके लिए jharkhandprovasi.in पर जाकर आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी लाभप्रद होगा। जितने भी आपके जान पहचान के, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके सर्किल के लोग हैं जो आए दिन आपसे फ़ोन करते हैं कि हम कैसे बिहार वापस आएँ, तो उन लोगों को ये वीडियो अब ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन लोगों को सहूलियत प्राप्त हो और वे लोग आसानी से अपने जो है राज्य, अपने घर, उनकी वापसी हो जाए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सभी को धन्यवाद। अंत में कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।